सुल्तानपुर ज्वेलरी लूटकांड में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। आपको बता दें कि सुल्तानपुर ज्वेलरी लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी सुल्तानपुर की संयुक्त टीम ने रायबरेली से लूट का सोना बरामद किया है। सूत्रों के हवाले से मिली इस खबर में यह नहीं पता चल सका है कि कितने सोने की रिकवरी हुई है। दरअसल बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में सर्राफा व्यवसायी से हुई लूट के दौरान तकरीबन 50 किलो चांदी और 2 किलो के आसपास सोना लूट लिया गया था। इस लूटकांड का मुख्य आरोपी विपिन सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ा तो इस लूटकांड के तार एक एक कर खुलने लगे। पुलिस ने इस मामले में जहां एक अन्य आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था, वहीं विपिन की रिमांड मिलने पर लूट मामले में पूछताछ के दौरान इसके तार रायबरेली से जुड़ते नजर आए थे। इसी कड़ी में एसओजी की संयुक्त टीम ने विपिन की निशानदेही पर रायबरेली में मिल एरिया थाने के आईटीआई स्थित उस घर में छापा मारा जहां इस लूटकांड की न केवल योजना बनाई गई थी बल्कि लूट का माल भी यहीं छिपाया गया था। विपिन की निशानदेही पर एसओजी की संयुक्त टीम ने आईटीआई के बालापुर में 404 नंबर मकान में छापेमारी की तो यहां से लूट का सोना बरामद हुआ है। वरे ज्वेलर्स के यहाँ पे लूटपाट की घटना हुई जिसका अनावरण हेतु लगातार टीमें लगी हुई थी, उसमें पहले भी गिरफ्तारी और रिकवरीज हुई है। इस संबंध में एक अभियुक्त जो जेल में था उसको पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया, विपिन सिंह है उसका नाम, उसकी निशानदेही में तथा आज पुलिस को स्पेशल जो टिप ऑफ मिला उसके आधार में 4 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए जिनका कमर्शियल नाम है दुर्गेश प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और विवेक सिंह। इन सभी के पास से और जैसे मैं बता पीसीआर में पूछताछ के दौरान अभियुक्त के द्वारा जो रिकवरी करवाए घटनास्थल पे वो करीबो करीब उसी संबंध में ये पीसी है जिसमें करीबो करीब 2.25 किलो सोने का सामान बरामद हुआ है और काफ़ी सारे असले और वो बोलेरो कार भी बरामद हुई है जिस बोलेरो कार को इन अभियुक्त ने घटना के दिन घटना करने के बाद बाइक से उतर के इस्तेमाल करके भागने के लिए इस्तेमाल किया था। बाकी जो अपराधी हैं उनसे बाकी पूछताछ और आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। आज के डेट में ये लोग अमेरिका के आसपास से ये लोग पकड़े गए हैं और बाकी जैसे बताया कि अभी पुलिस कस्टडी में है। हाँ, ये मास्टरमाइंड जो है विपिन सिंह का ही गैंग है जिसमें अलग अलग सदस्य हैं, उनको अलग अलग तरीके से उस दिन इस घटना में संलिप्त थे। इन्हीं को आज पकड़ा गया, इनके ऊपर भी इनाम रखा गया था, इनाम इनका नाम पहले प्रकाश में आ चुका था। आज इनसे रिकवरी हुई है, जो रिकवरी आप थोड़ी देर पहले आप देख रही हैं, ये सारे जो ज्वेलर्स हैं ये जो हमारे जिनके यहाँ से घटना हुई थी उनके द्वारा भी देखा गया है और उनको वो इनको चिन्हित की हैं अपनी वो समझ पाई उनकी दुकान की है उसमें वो क्लियर है और इसी के साथ उनकी जितनी मेजर रिकवरी थी इस केस में पर्टिकुलरली कोल्ड की वो संपूर्ण हो चुकी है। सर, कितने लोग शामिल थे इसमें और कितने लोग ये पहले भी हमने बताया कुछ 14 लोग शामिल थे तो पहले हम उन्हें अरेस्टिंग हुई है जो पुराने हमारे प्रेस ब्रीफ्स हैं उसमें आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगे। बोलेरो का मालिक जो है वो बेसिकली सबसे पहले जो व्यक्ति आप लोग जानते हैं पुलिस मुठभेड़ के बाद जेल गया था उसका नाम त्रिभुवन सिंह था, उसी के ही पिता था, वही बाइक उसी बोलेरो को त्रिभुवन सिंह ने इस्तेमाल किया था अपने साथियों को मदद करने के लिए। सर, विपिन सिंह 8 तारीख से अभी पुलिस कस्टडी रिमांड में है, क्या उन्हीं की निशानदेही पे लोग जी 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 जैसे मैं बोला उनकी निशानदेही में सामान रिकवर हुआ और आज जो अरेस्टिंग उसमें भी ये सामान रिकवर हुई है। जहाँ तक कीमत की बात है वो हमसे ज़्यादा आप अच्छा बता पाएंगे। ठीक है, हम इस संबंध में भी मैं बोलूँगा कि आप उनसे भी जानकारी कर ले तो बेहतर होगा।